में हम बताने वाले हैं कि क्या क्या हुआ है और क्या चेंज आया है, मेरा प्रॉब्लम ठीक हुआ या नहीं ठीक हुआ, ये सब कुछ आप लोग का अभी दिखाने वाले हैं। सिर्फ बाइक में भाई अपडेट करते ही आए हैं और कोई सब कुछ चेंज हुआ नहीं है। इस बार देखिए क्विक शिफ्टर बोले हैं चेंज करेंगे तो कुछ ये देखिए अभी मिसिंग हुआ, ये देखिए अभी जस्ट और भाई पहुंच गए हैं बाइक में और थोड़ा इसका भी टेस्ट ड्राइव ले लेते हैं और चेक करने जा रहे हैं कि प्रॉब्लम कुछ सॉल्व हुआ या नहीं। अभी तक तो सब कुछ ठीक ही लग रहा है। इसको थोड़ा अब निकलते हैं रास्ता तरफ लेके, इधर थोड़ा छोटा सा एक ले रहे थे, आरपीएम भी देखना है ना मेन, हमको आरपीएम वाला जो हाई होता है ना तो वो चेक करना है। इसका फ्यूल अप भी करवाना है तो थोड़ा आगे ही चलते हैं तो वो उधर पता चल जाएगा। और क्विक शिफ्टर का जहाँ तक बात है ना, क्विक शिफ्टर काम नहीं कर रहा, पिछले बार जैसा कर रहा था। आरपीएम हाई वाला उससे वो क्या होता है वो एक बार देखना है, हमको अच्छा से चेक करना है, क्योंकि भाई आरपीएम अगर आपका ज़्यादा गाड़ी रेस रहेगा ना तो ऑटोमेटिक है वो फ्यूल कंज्यूम आपका ज़्यादा करेगा ही, तो वो एक बार देखना है हमको। ये देखिए मिसिंग हुआ, ये देखिए अभी जस्ट हुआ, टाइम चल रहे हैं आराम से अभी भाई। मिसिंग प्रॉब्लम आप लोग को देखिए, ये देखिए नोटिस किए होंगे शायद आप लोग, जैसे कि हमको बोले हैं वो प्रकाश भैया, देखिए ये देखिए हम कुछ नहीं कर रहे हैं, बस नॉर्मल एक कॉन्स्टेंट स्पीड में बाइक चल रहा है और चल रहा है। ये देखिए भाई क्या जो करें हम किस बाइक का, हमको ना समझ में नहीं आ रहा। मिसिंग का इशू अब पहले से हमको लग रहा है, पहले ज़्यादा आ रहा, पहले इतना ज़्यादा नहीं आ रहा था, सच बता रहे हैं आप लोग को। ये देखिए आगे से कुछ आवाज़ आता है, खत से कुछ आवाज़ आता है, आप लोग को कैसे दिखाएं। तो आगे फ्यूल अप करवाते हैं, पहले हम कुछ नहीं कर रहे भाई, एक हाथ मेरा यहाँ पे है, आराम से हम चल रहे हैं, तीसरा गियर में है। प्रकाश भैया बोले थे 6 फर्स्ट सेकंड थर्ड गियर में क्विक शिफ्टर वैसा काम नहीं करेगा, थोड़ा झटका लेगा गाड़ी, बस उन्हीं का अकॉर्डिंग हम चला रहे हैं बाइक, वैसा हम क्विक शिफ्टर यूज नहीं कर रहे हैं, क्लच दबा के ये कर रहे हैं। बट आगे कहीं पेट्रोल पंप होगा तो वहाँ पे रुकेंगे, फ्यूल अप करवा लेते हैं भाई, क्योंकि फ्यूल भी नहीं है, नहीं तो कमेंट में आएगा भाई तेल तो है ही नहीं गाड़ी में। हाँ हाँ भाई हाँ, जाओ जाओ, हमको जल्दी नहीं है, पहले फ्यूल अप करवाते हैं पूरा। अभी रिकॉर्डिंग भैया वहाँ पूरा रिकॉर्डिंग अभी वहाँ पे भैया उसको दिखाएंगे, प्रकाश भैया को, अब वो खुद बताएंगे कि हो रहा है या नहीं हो रहा है। अभी तक तो ठीक चल रहा है बट मिसिंग का प्रॉब्लम तो भाई आ रहा है मेरा, जो कि आप लोग को हम दिखा दिए हैं। क्विक शिफ्टर काम नहीं कर रहा भाई, क्लच दबा कर ही यूज़ करते हैं, क्या क्विक शिफ्टर काम नहीं कर रहा है, गियर हार्ड लग रहा है। मिसिंग हुआ था उस टाइम ही हुआ था बट अभी तक तो फिर वैसा हुआ नहीं है, तो अभी थोड़ा है एक आधा किलोमीटर जैसा यहाँ पे डिस्टेंस है, तो देखते हैं होता है या नहीं होता है।
कुछ काम नहीं कर रहा यार, मिसिंग प्रॉब्लम मेरा सॉल्व नहीं हुआ। कोई आरपीएम वाला देखते हैं। नहीं, आरपीएम वाला तो हो गया है, आरपीएम वाला प्रॉब्लम मेरा सॉल्व हो गया है, सॉर्ट आउट हो गया है। क्योंकि ऐसा में चलते थे ना। ओ भाई स्कूटी, तो आरपीएम हाई हो जाता देखिए, लेकिन अब अभी तक ठीक लग रहा है अभी तक फ़िलहाल। क्योंकि भाई इसमें बाइक में प्रॉब्लम ना कुछ दूर चलाने के बाद आता है, तो बट अभी तक तो हमको सब कुछ सही लग रहा है। खैर एंड गाइस, जैसे कि आप लोगों को क्लिप मिल चुका होगा इससे पहले कि गाड़ी क्या हुआ, सर्विस सेंटर में नहीं हुआ। 26 जनवरी से पहले हम गाड़ी दिए हुए थे, बट 26 जनवरी का पहले 25 जनवरी को हम रात में मतलब 6:30-7 बज गया था भाई। उस टाइम हम जाके लाना पड़ा हमको गाड़ी। और क्यों लाना पड़ा ये आप लोग को पता ही है, क्योंकि 26 जनवरी का जो राइड था हम लोग का, उसके वजह से। क्योंकि वह प्रकाश भी आपको ये बोला हुआ था भाई हमको गाड़ी चाहिए, तो वो भी बोले कि ठीक है आपको गाड़ी दे देंगे उस दिन। तो फाइनली बाइक हमको मिल गया था, और उस दिन तो हम लोग आप लोग को नहीं दिखा पाए। और कुछ क्लिप था जो आप लोग को हम दिखा दिए होंगे, और अगर नहीं दिखाए होंगे तो आप लोग को हम दिखा देंगे क्लिप में, इसी ब्लॉग में आप लोग को हम दिखा भी देंगे। तो अभी मेरे पास मेरी बाइक है, और इसमें हम बताने वाले हैं कि क्या क्या हुआ है और क्या चेंज आया, मेरा प्रॉब्लम ठीक हुआ या नहीं ठीक हुआ, ये सब कुछ आप लोग का भी दिखाने वाले हैं। पूरा ब्लॉग में बने रहिए, ब्लॉग देखिएगा तो आधा अधूरा देखिएगा, समझ में नहीं आएगा। तो चलिए आप लोग को गाड़ी के पास ले चलते हैं, दिखाते हैं। और ये रही मेरी ड्यूक 250 ड्यूक की। और भाई सामने रहता है ना भाई, इतना अच्छा लगता है ना, गाड़ी मेरा दूर चला जाता है ना तो क्या ही बताएं कैसा लगता है। तो हम तो भाई ये बाइक के अलावा हम कुछ किसी और से हम अपना ड्यूटी भी आना जाना नहीं करते हैं, हम तो पैदल ही आना जाना करते हैं, पैदल ही चले जाएंगे। सो ठीक है, ज़्यादा दूर है नहीं, 1.5 किलोमीटर है, चल लेते हैं, उतना तो चल ही सकते हैं। और गाड़ी में जो मेरा प्रॉब्लम था वो आप लोग को हम बता दिए थे। आरपीएम हाई इशू था, आरपीएम हाई हो जाता था, और मिसिंग का इशू था, मिसिंग प्रॉब्लम थोड़ा झटका लेता था गाड़ी, और क्विक शिफ्टर जो इसका वर्क नहीं करता है, एक वो था क्विक शिफ्टर प्रॉब्लम, मेजर बोलेंगे क्विक शिफ्टर वर्क ही नहीं करता यार इसमें। और बना है या नहीं बना ये आप लोग को अभी ब्लॉग बने रहिएगा ना, तो आप लोग को हम दिखाएंगे बता देंगे। और एक चीज़ था आगे का ब्रेक से यहाँ पे भाई कट कट आवाज़ आता था, बट अभी नहीं आ रहा है। उस दिन भी आ रहा था, कल जो 26 जनवरी को हम राइड में गए हुए थे ना, उस दिन भी आ रहा था, बट अभी नहीं आ रहा, तो अभी हम बताना ही नहीं चाहते आप लोग को। और एक और चीज़ था कोल्ड स्टार्ट भाई, जब सुबह बाइक हम स्टार्ट करते थे तो ये बाइक में होता क्या था भाई, आप लोग को हम क्लिप दिखा भी दिए होंगे इससे पहले, ब्लॉग जो हम डाले हुए हैं, हर चीज़ दिखाए हुए हैं इसके बारे में। एंड अभी हमको क्या चेंज मिला है इसमें, नहीं मिला है, वो आप लोग को हम बता रहे हैं। अभी भाई मेरा प्रॉब्लम क्या सॉल्व हुआ है, एक आप लोग को बाइक स्टार्ट करके दिखाते हैं। बार बार फ्यूल रिजर्व भी दिखाता है, 300 का तेल लिए हैं यार, कमेंट सेक्शन में आता है फ्यूल डलवाओ, फ्यूल ही नहीं रहता भाई गाड़ी में, 300 रुपया का लिए हुए हैं भाई, ये अभी भी बिलिंग कर रहा है, 300 का अभी तुरंत लेके आए हुए हैं। और 80 का रेंज दिखा रहा है यहाँ पे देखिए, और आप लोग को गाड़ी स्टार्ट करके दिखाते हैं। आरपीएम हाई वाला प्रॉब्लम मेरा सॉल्व हुआ है नहीं, ये चीज़ आप लोग को हम दिखाते हैं। ये चीज़ एक आरपीएम प्रॉब्लम मेरा ये सॉल्व हो गया है। आरपीएम प्रॉब्लम देख लिया, आरपीएम हाई वाला इशू सॉल्व हो गया है। और मिसिंग का प्रॉब्लम वो चीज़ हम फेस करते हैं, आप लोग को हम बताए भी होंगे, हो सकता है आप लोग देखे होंगे क्लिप में, मेरा साथ हुआ था, बट आप लोग को पता चला होगा या नहीं चला होगा, बट ये चीज़ एक है जो मेरा सॉल्व नहीं हो रहा, मिसिंग का इशू। और भाई क्विक शिफ्टर वर्क कर ही नहीं रहा है, क्विक शिफ्टर का कोई यूज ही नहीं है इसमें। सर्विस सेंटर में वो प्रकाश भी खुद बोले कि इसका क्विक शिफ्टर काम नहीं कर रहा है, तो नेक्स्ट टाइम हमको बोला गया है कि इसका क्विक शिफ्टर चेंज करेंगे, वो आ रहा है क्विक शिफ्टर, ऑर्डर दिया हुआ है तो आज कल में आ ही जाएगा, तो वो जाके चेंज करना है। एंड कोल स्टार्ट का जहाँ तक बात रहा, तो मेरा कल 27 तारीख था, तो कल हम इसमें 8:30 बजे स्टार्ट कर रहे थे बाइक, तो 5 सेल्फ लिया था। एंड आज सुबह स्टार्ट किए तो 1 सेल्फ में स्टार्ट हुआ, मतलब थोड़ा मोड़ा कुछ चेंज आया है, ऐसा नहीं है कि भाई पूरा ख़राब बोलेंगे, कुछ चेंज आया है। आरपीएम वाला प्रॉब्लम मेरा पूरा सॉल्व हो गया है,
और कोल्ड स्टार्ट होने मेरा प्रॉब्लम थोड़ा सॉल्व हो गया। आगे ब्रेक बोला तो वो बोले कि पता नहीं आवाज़ करता है, वो ठीक हो जाएगा। इसमें जो डिस्क पैड दिया हुआ है ना, इसमें ब्रेक पैड जो दिया हुआ है, ये पता नहीं बोले कि अलग ही टाइप का दिया हुआ है। ये थोड़ा मतलब ना, आप खुद देखिए मेरा गाड़ी ना 5000 आसपास चला हुआ है और इसको इसका ना पूरा भाई ख़त्म हो गया है, पूरा डिस्क ब्रेक पैड ख़त्म हो गया इसका। और मेरा बाइक देखिए अभी 5000 आस मतलब चला भी नहीं अच्छा से। और आप पीछे का देखिए, ये भी भाई ये भी पूरा ख़त्म ही हो गया है। तो ये कुछ कुछ है तो, और मेरा प्रॉब्लम जो आप लोग बता रहे हैं भाई है भाई मेजर प्रॉब्लम जो है मेरा क्विक शिफ्टर काम नहीं कर रहा है मेरा इसमें। और जहाँ तक बात रहा कोल्ड स्टार्ट वाला प्रॉब्लम सॉल्व हुआ है। तो आई होप अगर जिनका प्रॉब्लम आ रहा होगा जाके आप अपडेट करवाइए बाइक में। हम सिर्फ आप लोग को ये दिखाना चाहते थे कि मेरा बाइक सर्विस सेंटर में जाने के बाद क्या हुआ नहीं हुआ। मेरा बाइक में सिर्फ यही हुआ कि अपडेट 3 दिन रखें गाड़ी, लेकिन क्विक शिफ्टर नहीं बना। कोल्ड स्टार्ट वाला प्रॉब्लम सिर्फ सॉल्व हुआ और हाई RPM वाला सॉल्व हुआ। बट देखते हैं अभी तो भाई धीरे धीरे कुछ दिन तो ठीक रहते ही हैं, बट उसके बाद ही प्रॉब्लम आने लगता है। मिसिंग का इशू तो मेरा जान नहीं रहा, वो आप लोग को कैसे बताएं। बस भाई अब समझ लीजिए, ऐसा लगता है ना कि गाड़ी में तेल ख़त्म हो गया है तो झटका लेता है ना वैसा, और फ्यूल रहने के बाद भी। तो ये सब कुछ कुछ है। तो खैर जो भी हो ये सब को इग्नोर करते हैं और ये धीरे धीरे भाई सॉल्व हो ही जाएगा। अगर जो बाइक बोल रहे ना कि लेना चाहते हैं भाई तो सही रहेगा, नहीं आप लोग जा सकते हैं बट अच्छा से चेक कर लेने टाइम। मेरा तो फर्स्ट लोड का बाइक था तो उसकी वजह से इतना प्रॉब्लम आया, हो सकता है आप लोग का बाइक में नहीं आएगा। तो कुछ कुछ यही सब है। और भाई तो फाइनल मेरा यही बोलना है KTM वालों से, भैया मेरा प्रॉब्लम जल्दी जल्दी सॉल्व करके दीजिए। अभी तक सब कुछ कोऑपरेट अच्छे से करते आ रहे हैं, जब भी गए हैं मेरा प्रॉब्लम मतलब कोशिश ही करते हैं मतलब कर ही दें। बट भाई ये बाइक ही ऐसा है ना कि कितना कुछ करने के बाद भी ना कुछ आ ही जाता है। तो खैर कोई नहीं, जो होता है अच्छे के लिए होता है, हम शुरू से यही लेके चलते आ रहे हैं और हो ही रहा है, जो हो रहा है सो हो रहा है, आप लोग को हम दिखाते ही आ रहे हैं। एंड बाइक में प्रॉब्लम धीरे धीरे भाई सॉर्ट आउट हो ही जाना चाहिए, और क्विक शिफ्टर जब इसका चेंज होगा ना तो उस टाइम आप लोग को दिखाएंगे। अभी तो इस ब्लॉग में ये हम आप लोग को सिर्फ इतना बताना चाहते थे कि सर्विस सेंटर से अपना बाइक हम ले आए हैं। बहुत लोगों का कमेंट भी आ रहा था कि भाई बाइक आ गया या नहीं आ गया, तो भाई बाइक हम अपना ले आए हैं क्योंकि मेरा 26 जनवरी का राइड था और मेरा प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ है, कुछ कुछ सॉर्ट आउट नहीं हुआ है। तो वो चीज़ हमको फिर से बाइक वहाँ जाके देना है, फिर से जाके देना है। प्रकाश भैया बोले थे कि ला के दे दीजिएगा, इसका क्विक शिफ्टर चेंज कर देंगे, हो सकता है उससे मिसिंग इशू भी सॉल्व हो जाना चाहिए। उम्मीद है, देखिए क्या होता है नहीं होता है, बट भाई प्रॉब्लम तो आ रहा है मेरा बाइक में। आप लोग के बाइक में नहीं आ रहा होगा, आप लोग भाई लकी होंगे, बहुत लकी होंगे आप लोग, बट मेरा बाइक प्रॉब्लम आ रहा है। तो खैर जो भी हो भाई, जिन जीवन में उतार चढ़ाव लगा हुआ रहता है, मेरा साथ ज़्यादा ही लगा हुआ है। तो खैर कोई भी नहीं, और अब अपना ब्लॉग हम करते हैं यहाँ पे एंड। ये सिर्फ आप लोग को भाई हम बताना चाहते थे मेरा बाइक में प्रॉब्लम क्या था और मेरा प्रॉब्लम क्या क्या सॉल्व हुआ। और भाई कुछ हुआ नहीं, सिर्फ अपडेट हुआ बाइक में और वैसा कुछ चेंज हुआ नहीं, कुछ भी चेंज नहीं हुआ है बाइक में, ठीक है। तो जिन लोगों को लगता है ना भाई यार क्या चेंज हुआ नहीं हुआ, कुछ चेंज हुआ नहीं, सिर्फ बाइक में अपडेट ही हुआ है, सिर्फ अपडेट ही करते आए हैं और कोई सब कुछ चेंज हुआ नहीं है। इस बार देखिए क्विक शिफ्टर बोले हैं चेंज करेंगे, तो क्विक शिफ्टर चेंज करेंगे तो मे भी सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाना चाहिए। तो ठीक है, अब जब हम क्विक शिफ्टर चेंज करवाएंगे तो आप लोग को सारा ब्लॉग हम मिलता ही रहेगा, क्या प्रॉब्लम है वो भी आप लोग को दिखाते रहेंगे। एंड काफ़ी लंबा ब्लॉग इसको हम लोग को नहीं करना है, तो ये ब्लॉग हम करते हैं यहाँ पे एंड। मिलते हैं आप लोग से अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय सबको, टाटा।